नमस्कार, स्वागत है आपका फैंटेसी गली के यूट्यूब चैनल पे। आज का वीडियो बताएगा आपको बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के तीसरे T20I मैच के लिए क्या रहनी चाहिए आपकी फैंटेसी क्रिकेट में विनिंग स्ट्रेटजी। सिर्फ हम आपको जो बड़े प्लेयर्स हैं, सेफ प्लेयर्स हैं, वो नहीं बताएंगे, आपको ये भी बताएंगे कि उनमें से आप किसको कैप्टन, वाइस कैप्टन, कॉन्टेस्ट स्पेसिफिक रख सकते हैं, हेड टू हेड के लिए किसे रखें, ग्रैंड लीग में खेल रहे हैं तो किसको रखना चाहिए आपको कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शन। इसके अलावा जो तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको फैंटेसी क्रिकेट में कहीं और नहीं मिलती, वो है आपकी इन्वेस्टमेंट क्या होनी चाहिए गोइंग इनटू दिस थर्ड T20I इंटरनेशनल। ये सारा इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल होता है फ्री ऑफ कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ फैंटेसी गली पे। वेबसाइट पे जाएं, हमारा ऐप डाउनलोड करें, आप अभी आपको प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगा, वो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और दूसरी बात, ये वीडियो जो हम अपना एनालिसिस, प्रीव्यू एनालिसिस, मैच प्रीव्यू, फैंटेसी प्रीव्यू जो हमारे यूट्यूब चैनल पे आता है, उसको आप मिस तो बिल्कुल ना करें। इसीलिए फैंटेसी गली के यूट्यूब पेज को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि जब भी हम ये एनालिसिस डालें वो आपको तुरंत ही तुरंत मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बिल्कुल स्वागत है फिर से आपका द फैंटेसी गली शो में। मैं हूं बाबाशीष और मैं आज आपको बताऊंगा कि अगर आपको बांग्लादेश वर्सेस ऑस्ट्रेलिया जो थर्ड T20I खेली जाएगी मीरपुर में, अगर उसमें आपको बांग्लादेश जैसे रिजल्ट्स कर रही है ऑन फील्ड, अगर आपको वैसे रिजल्ट चाहिए आपके फैंटेसी क्रिकेट में, तो आप क्या कर सकते हैं। पहली बात आपको करनी यह है कि आपको फैंटेसी गली पे जाना है और वहां पे जो इस मैच का सारा इंफॉर्मेशन है वो आपको मिल जाएगा मैच टिप्स वाले पेज में। मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि ये जो एनालिसिस, ये जो आप टिप्स देख रहे हैं, ये आपको और कहीं पे नहीं मिलेगी। ये देखिए, ये मैं गया टिप्स पेज पे, यहां पे आ गया हमारा बैनर जिस मैच के बारे में बात होगी, थर्ड T20 इंटरनेशनल शेरे बांग्ला मीरपुर में खेली जाएगी। तो क्या क्या चीज यहां पे आपको मिल जाएगी, पहले तो इस मैच का प्रीव्यू क्या है, किस तरह की फॉर्म लेके दोनों टीम्स आ रही है, पिच और कंडीशंस कैसे रहेंगे, क्या वहां पे नया बॉल फिर से स्किड करके आएगा और मुश्किल होगी ऑस्ट्रेलियाई टॉप ऑर्डर को। हेड टू हेड में आप देख सकते हैं दोनों टीम के क्या फॉर्म्स है कमिंग इनटू दिस मैच, और फिर जो पूरा एनालिसिस है प्लेयर्स के बारे में, कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शंस के बारे में, वो सब आपको मिल जाएगा इस वीडियो में। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, आपको बस इतना ही करना है कि वेबसाइट पे जाना है, वहां पे तो आपको टिप्स पेज पे मिल ही जाएगा, लेकिन उसके अलावा अगर आप ऐप डाउनलोड कर ले, लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन में, प्ले स्टोर से आपने ऐप डाउनलोड कर दिया तो सब कुछ आपके फोन में ही आ जाएगा। मेरे फोन में ऐप है, मैं जब भी मैच से पहले आता हूं, जब टीम्स अपडेटेड हो जाते हैं तो फिर एकदम सटासट आपको सारे टीम्स जो 10 नए कॉम्बिनेशन आपको देते हैं, हेड टू हेड देते हैं, ग्रैंड लीग में देते हैं, मीडियम रिस्क की टीम्स देते हैं, ऐसे 10 बैटिंग फोकस, बॉलिंग फोकस बताते बताते सांस छूट जाएगी, इतने टीम्स देते हैं हम लोग, और वो सब फ्री है। ये सब आप कोई भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, कुछ भी कर ले, वहां पे आपको इक्का दुक्का, आप एक जीत जाएंगे कुछ भी। कंसिस्टेंटली अगर एक लाइफलाइन आपको बनानी है फैंटेसी क्रिकेट में, तो फैंटेसी गली इज द प्लेस टू बी। चलिए फिर सीधे बात करते हैं कि कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिन पे नजर रहेगी। पहले तो बैट्समैन एंड विकेट कीपिंग ऑप्शंस, यहां पे देखिए मोहम्मद नईम और मोसद्दिक हुसैन। मोसद्दिक हुसैन को देखिए मौके ज्यादा मिले नहीं है। अब अगर मैं सेफ पिक दोनों की बात करूं तो मोहम्मद नईम है, मैथ्यू वेड है। मैथ्यू वेड आप बोलेंगे कि स्पिनिंग कंडीशंस है, वो कैसे खेलेंगे, यार देखिए जब टीम मुश्किल में होती है तो सारा दारोमदार जो है वो कप्तान पे आता है, और अब के जो कप्तान है उनके जहन में तो ये होगा कि यार मैं अपने रन बनाऊं और ऑस्ट्रेलिया के लिए भी थोड़े बहुत रन बनाऊं। तो पहली बात तो यह है कि सीरीज ऑन द लाइन है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मैथ्यू वेड एक कोई टीम में आप उनको ले और वो आपको ज्यादा से ज्यादा पॉइंट दे। मोहम्मद नईम के बारे में ये बोलूंगा कि उनको जो ऑप्शंस मिल रहे हैं और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल रहे हैं उसमें वो बेहतरीन परफॉर्म करके जा रहे हैं, इसलिए जो सबसे ज्यादा फैंटेसी गली रेटिंग है यहाँ पे आप देख रहे हैं वो मोहम्मद नईम का है। दूसरे हम मूव ऑन कर जाते हैं गेंदबाजों की ओर। गेंदबाजों की ओर हमने देखा है कि यहाँ पे इट्स बीन वेरी स्पिन डोमिनेटेड, इसीलिए यहाँ पे जो तीन नाम मैं आपको बता रहा हूं वो आपके डेफिनेटली अच्छे पिक है ही, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि थोड़े आप स्पिनर्स ले। यहाँ पे जो तीन बॉलर है उनके नाम लिख लेते हैं, मुस्तफिजुर रहमान, ये विकेट उनको बहुत अच्छा सूट करती है। अगर मैं आपको एग्जैक्ट एक स्किल बताऊं जो कि आपको चाहिए और आप अपनी टीम में मुस्तफिजुर को कैसे ले सकते हैं, देखिए
अगर हेड टू हेड खेल रहे हैं, एक किसी बंदे के साथ खेल रहे हैं, तो वहां पे आपको चाहिए कि सेफ पिक और अच्छे पिक्स लेना। वहां पे मुस्तफिजुर रहमान एक डेफिनेट पिक है, उसको आप मिस नहीं कर सकते। लेकिन अगर रैंडली खेल रहे हैं, मेरे हिसाब से आप एक टीम बना सकते हैं जहां पे स्पिन हैवी, स्पिन डोमिनेंट हो। और उसी के साथ मैं आपको बता चलूं, बिफोर वी हेड डीप इनटू द वीडियो, की इन्वेस्टमेंट क्या रहनी चाहिए इस पर्टिकुलर मैच के लिए। मैं कहूंगा अब जाके इस सीरीज में आप इन्वेस्टमेंट मीडियम टू हाई रख सकते हैं। मैं आपको बार बार कहता हूं कि जब कोई सीरीज चालू होती है तो अपना इन्वेस्टमेंट आप लो रखें, क्योंकि आपको पता नहीं है कि कौन सा ओवर कौन डाल रहा है, कौन से बॉलर को कितने ओवर्स मिल रहे हैं, कौन सा बल्लेबाज किधर बैटिंग करेगा, कौन से कंडीशन पे। यहां पे आपको वो सब पता चल गया, तो यहां पे इन्वेस्टमेंट मीडियम टू हाई आप रख सकते हैं, लेकिन सेफ पिक्स के ऊपर ज्यादा नजर करें। ऐसा जो आपके ग्रैंड लीग में होंगे जहां पे आप रेडिकल पिक्स, हाई एक्सपेक्टर वाले पिक्स रख रहे हैं, वहां पे इन्वेस्टमेंट लो रखें, ताकि फिर हारने का मौका आपको कम रहे और आप ज्यादा देर तक वो सम अमाउंट और वो प्रिंसिपल अमाउंट से आप खेल सकते हैं। हेजलवुड यहाँ पे आ जाते हैं। हेजलवुड यहाँ पे हाई एक्सपेक्टर इसलिए है यहाँ पे, क्योंकि देखिए इनके पास सिर्फ नया बॉल ही है कुछ करने के लिए। एक बार बॉल पुराना होता है, पिच और स्लो हो जाती है, फिर पेसर्स के लिए ज्यादा कुछ है नहीं। तो मैं कहूंगा हेजलवुड थोड़े हाई रिस्क पिक जरूर है, लेकिन अगर रैंड लीग खेल रहे हैं तो वहां पे उनको आप बख्श ना दे, उनको आप जरूर पिक करें। इनके अलावा जो तीन ऑलराउंडर्स हैं यहाँ पे, ये इनमें से दोनों जो है वो स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स हैं, जिनको आप जरूरत रखे ही रखे। हेड टू हेड खेल रहे हैं तो वहां पे शाकिबुल हसन होने ही चाहिए, रन भी कर रहे हैं, विकेट्स भी लेंगे, और एवरेज पॉइंट 66 इन दिस फॉर्मेट। एस्टनेगर की मैं बात करूं तो लास्ट इनिंग्स कुछ लकी विकेट्स उनको मिल गए थे, उनसे उनको कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगी कि यार इस तरीके की पिचेस में मैं कैसी गेंदबाजी कर सकता हूं, मुझे किस तरह की विकेट्स मिलेगी। जैसे मैं आपको बार बार बताता हूं कि आप फैंटेसी क्रिकेट में, फैंटेसी गली से आके जितना खेलने लगेंगे, आपको उतना कॉन्फिडेंस होगा कि कौन से कॉन्टेस्ट खेली जाए, कौन से कॉन्टेस्ट में कौन सी टीम पिक की जाए। ये जो थोड़े इंट्रिकेसीज है ना, ये आप खेलेंगे तो आपको पता चलेगा। इसलिए फैंटेसी गली के यूट्यूब चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और तो और सबसे बड़ी बात है कि ऐप, मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड करें, क्योंकि ईज ऑफ एक्सेस मिल जाता है और ये सब आपके लिए फ्री है। चलिए बात करते रहते हैं हम आगे जो प्लेयर्स हैं यहाँ पे, जो यहाँ पे आपके कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शंस होंगे वो ये सब है। शाकिबुल हसन है, मुस्तफिजुर रहमान है, मिचेल मार्श, क्योंकि यार बल्लेबाजी में अब ग्रेटर रेस्पॉन्सिबिलिटी, हमने देखा वेस्टइंडीज के खिलाफ भी रन बना रहे थे। शरीफुल इस्लाम वही लेफ्ट आर्म वाले ऑप्शन है और वो आपको पॉइंट्स दे सकते हैं। मिचेल स्टार्क, क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जब टेल क्लीनअप करने की जॉब आएगी ना, वो सिर्फ मिचेल स्टार्क ही वो आपको बता सकते हैं। तो ये जो थे ये आपके प्लेयर्स हो गए, किन किन प्लेयर्स को आप मिस कर ही नहीं सकते। अगर मैं उसी फैंटेसी गली टैब पे जाऊं और यहां पे कॉन्टेस्ट देखूं इस पर्टिकुलर मैच के लिए, तो देखिए यहां पे जितने भी फैंटेसी साइट्स हैं वहां सबके जो टॉप कॉन्टेस्ट है, और यहां पे ये जो आप बार 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 देख रहे हैं वो ये है कि आपकी जो बजट है और रिस्क कैपिटाइट है। रिस्क कैपिटाइट मतलब क्या, देखिए आप यहां पे चाहते हैं कि आप यहां सोचते हैं कि मैं यहां पे कुछ, ये अगर मैं यहां तक ले आया तो मैं कुछ 80% जो कॉम्पिटेंट्स है उनको मैं हरा सकता हूं, और मैं जितना आगे जाता हूं यहां पे मैं सोच रहा हूं कि यार मैं जो कोई भी खेले, मेरे पास ऐसी तोड़ टीम है कि मैं कोई भी खेले मैं वहां पे वो जीत सकता हूं। तो वहां पे उस तरीके के कॉन्टेस्ट हैं, आप यहां पे सॉर्ट भी कर सकते हैं एज पर योर बजट एंड रिस्क एपेटाइट। ये सब आपको 360 कड़क एनालिसिस सिर्फ और सिर्फ मिलेगा फैंटेसी गली पे ही, न सिर्फ इस मैच के लिए बल्कि दुनिया भर की सारी क्रिकेट मैच के लिए। आपको बार बार कह रहा हूं कि अगर आप फैंटेसी क्रिकेट खेल रहे हैं और आपने अभी तक फैंटेसी गली वेबसाइट पे जाके ऐप नहीं डाउनलोड किया है, प्ले स्टोर से ऐप नहीं डाउनलोड किया है, यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप रेस में बहुत पीछे हैं। बहुत लोगों ने कर लिया है, वो कंसिस्टेंटली जीत रहे हैं, आप भी जीत सकते हैं जरूर। ये थी हमारी अल्टीमेट फैंटेसी एनालिसिस फॉर बांग्लादेश वर्सेस ऑस्ट्रेलिया थर्ड T20 आई। दुनिया भर की बाकी क्रिकेट के लिए आप जुड़े रहिए फैंटेसी गली के साथ। तब तक के लिए भावशीष को इजाजत दें पूरी फैंटेसी गली की टीम से, और हम आपको जल्दी ही मिलेंगे।